भारत की संस्कृति और वैज्ञानिकता इतनी विशाल है कि जब कभी भी इतिहास अपने को दोहराता है तो विज्ञान और संस्कृति पर ही जाकर रुक जाता है। चाहे फिर वो 1945 का पहला परमाणु परीक्षण ही क्यों ना हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पौराणिक वर्णित शास्त्र यानी ब्रह्मास्त्र की, जो इतना शक्तिशाली था कि देवता और मनुष्य दोनों ही इससे कांपते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस शास्त्र में इतनी ऊर्जा निकलती थी कि वह धरती को पल भर में भस्म कर सकता था। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इतिहास से जुड़ी इस दिलचस्प वाली बात पर। ब्रह्मास्त्र एक दैवीय हथियार है जो सदैव अचूक और इच्छित परिणाम देने वाला रहा है। रामायण से लेकर महाभारत काल तक ये कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास था। यह देवताओं और गंधर्व द्वारा प्रदान किया गया है। रामायण काल में यह विभीषण और लक्ष्मण के पास था, महाभारत में द्रोणाचार्य के पास, और अर्जुन ने इसे द्रोणा से पाया था। ऐसा कहा गया है कि इंद्र ने यह हथियार भेंट किया था। अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण आदि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग समय समय पर किया है। अत्यंत शक्तिशाली विमान से भी एक शक्ति धुएं के साथ अत्यंत चमकदार ज्वाला, जिसकी चमक 10,000 सूर्यों की चमक के बराबर थी, वज्र के समान अज्ञात अस्त्र साक्षात मृत्यु का भीषण काय दूत था, जिसने विष्णु और अंधक के समस्त वंश का नाश करके रख दिया था। उनके शव इस प्रकार जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। ब्रह्मास्त्र एक दिव्यास्त्र है जो परमपिता ब्रह्मा के सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व में बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। इस शस्त्र को शास्त्रों में सबसे विनाशक शास्त्र का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब भी दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो तब समझ लेना चाहिए कि प्रलय आने वाली है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। ब्रह्मास्त्र प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो बहुत ही दुर्बल और बहुत ही कम लोगों के पास था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कठोर तप कर भगवान को खुश रखते थे, और भगवान खुश होकर उन्हीं को ये शस्त्र दिया करते थे। ब्रह्मास्त्र ज्ञान हमारे ही ग्रंथों के आदिकालीन में छुपा हुआ है, और विडंबना तो देखिए कि उन्हीं शास्त्रों को मिथक मानकर रख लेते हैं। इंतजार करते हैं कि कोई पश्चिमी वैज्ञानिक जो कुछ भी बताएगा वही सही होगा, भले उसने शास्त्रों से ही क्यों ना सीखा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ फॉर सोशल की तमाम वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो सी फर्स्ट का ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी सारी वीडियो से नोटिफाई हो जाएं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।